नमस्कार दोस्तों आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है हमें जो खबर लेकर आए आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है तो आइए इसको पूरे विस्तार से देखते हैं हम आपको बता दें कि खबर जो दिखाने जा रहे हैं बिहार राज्य से जो है कि खबर निकल कर आ रही है एक बहुत बड़ा जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो है कि फैसला लिया गया है तो इस खबर को आइए पूरे विस्तार से देखते हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है तो आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे आइए हम सीधा खबरों का जो है कि सिलसिला शुरू करते हैं उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सरकार ने डेहरी सदर सी कविता कुमारी को किया बर्खास्त तो डेहरी सीडीपीओ कविता कुमारी को बर्खास्त किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी उस बैठक में इनको जो है कि सीधा बर्खास्त किया गया है सीडीपीओ को जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कि किराया देने में और जो है कि मोबाइल रिचार्ज के पैसे में और भी अन्य जो है कि अनियमितता पाया गया है उसमें जो है कि इनको सीधा बर्खास्त कर दिया गया है तो आइए देखते हैं जी इसमें मामला क्या है और किस किस तरह की जो है कि अनियमितता पाई गई है जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बिहार सरकार ने डेहरी सदर सी कविता को सेवा से बर्खास्त कर दिया है इसका फैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई थी जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री भी अपने कार्यालय से शामिल हुए थे बैठक में एक फैसला समाज कल्याण विभाग से संबंधित भी थी मंत्रिमंडल के बैठले बैठक में फैसले में रोहतास जिले के अंतर्गत डेहरी सदर की सीडीपीओ कविता कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है कविता कुमारी के खिलाफ कार्रवाई तरह की आरोप थी इनके खिलाफ़ जो है कि कई तरह का आरोप था ये बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पहले रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने आरोप पत्र पत्र को गठित कर उनको बर्खास्त व विभागीय कार्रवाई करने के लिए सरकार से अनुशंसा भी की थी तो ये पहले ही जो है कि धर्मेंद्र कुमार डीएम जो है वहाँ के उन्होंने आरोप पत्र जो है कि गठित करके इनको बर्खास्त करने की और जो है कि विभागीय कार्रवाई करने की सरकार से अनुशंसा की थी इस पे जो है कि अब डी एम मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कि इनको बर्खास्त किया गया है उनके अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी यही नीचे बताया जा रहा है कि बर्खास्त सी पर आरोप है कि उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई राशि इस्तेमाल में मनमानी की और वरीय अधिकारी के निर्देश को अनदेखी की तो जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पैसा विभाग द्वारा भेजा गया था उनमें जो है कि इन्होंने मनमानी बरती है उसको लेकर जो है कि बहुत बड़ी एक जांच हुई थी उसमें अनियमितता पाई गई थी यही बताया जा रहा है कि आरोप है कि उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन के बावजूद किराए के मकान में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का किराया भुगतान नहीं किया पोषाहार तो का वितरण भी समस्या समय से नहीं किया गया था जिसमें से आंगनबाड़ी केंद्रों का पूरक पोषाहार बाधित रहा शिकायत पर सी के डीएम से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी परंतु उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका जिसके बाद रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार ने डेहरी सदर सी कविता कुमारी के खिलाफ पत्र क गठित जारी कर कार्रवाई के लिए समाज कल्याण विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की तो इस तरह से जो है कि इनकी अनियमितता पाई गई है न किराया दिया जा रहा था और न ही आंगनबाड़ी बहनों का मोबाइल रिचार्ज का पैसा दिया जा रहा था जबकि विभाग के तरफ से पैसा आता था लेकिन इनके द्वारा जो है कि नहीं दिया जाता था उसमें अपने मनमानी करती थी जो है कि वरिष्ठ अधिकारियों की भी बातें नहीं सुनती थी इसको लेकर जो है कि जाँच हुई थी और जो है कि डीएम धर्मेंद्र कुमार जी के द्वारा जो है कि सरकार को ये पत्र लिखकर जो है कि इनको बर्खास्त करने की और विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी उस पर जो है कि इनको बर्खास्त कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक कमेटी गठित हुई थी जिसकी अध्यक्षता वो किए थे तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे विस्तार से बताए हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कविता कुमारी के साथ जो ये का काम हुआ है ये सही है या गलत तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे विस्तार से दे दिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य बहनों के साथ भी आप शेयर कर दीजिए और इस तरह के खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद